पे जैसे ही छक्का उछला, टॉस जरूर रोहित शर्मा ने गवाया, लेकिन जीत के हीरो जरूर रोहित शर्मा ही रहे। दोस्तों, स्पिन के जाल में फंसी ऑस्ट्रेलियाई टीम और मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो शुरुआत में तो सही साबित होता दिख रहा था, लेकिन भारतीय स्पिनर्स के सामने गलत होता दिखा। टीम 27 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बना दिए थे, मगर इसके बाद लगातार विकेट गिरते गए और कंगारू टीम 49.3 ओवर में ही 199 रनों पर ढेर हो गई। टीम के लिए स्टीव स्मिथ ने सबसे ज़्यादा 46 रन बनाए, उसके अलावा डेविड वार्नर ने 41, मिचेल स्टार्क ने 28 और मानस लाबुसेन ने दोस्तों 27 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा नहीं छू सका, जबकि भारतीय गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा ने 28 रन देकर 3 विकेट झटके, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को 2-2 सफलता मिली। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इस मैच के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत की हार तय थी, पर ऑस्ट्रेलिया को एक गलती पड़ी भारी, जीवन भर रोएगा ये स्टार खिलाड़ी। दोस्तों, जानने के लिए बने रहिएगा बस आप इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कौन सी गलती है जो ऑस्ट्रेलिया को भारी पड़ी है, अगर ये जानना चाहते हो आप तो वीडियो को अभी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम ने अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला बेहद रोमांचक था। एक समय ऐसा भी आया था जब भारतीय फैंस की सांसें अटक गई थी। दरअसल मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया टीम ने 200 रनों का टारगेट सेट किया था। इसके जवाब में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने शुरुआती 2 रनों पर ही अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। एक गलती ने कंगारू टीम से छीन ली आसान जीत। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली और KL राहुल ने मोर्चा संभाला, मगर एक बार फिर ऐसा मौका आया जब ऑस्ट्रेलिया के पास मैच पर पूरी तरह से कब्जा करने का मौका था। इस दौरान फैंस की सांसें दोबारा झलक में गई थी, मगर ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स को ही एक गलती उनका यह सुनहरा मौका हाथ से निकल गया और परिणाम स्वरूप मैच भी गंवाना पड़ गया। दरअसल पारी का 8वां ओवर जोस हेजलवुड ने किया था, इससे पहले वो 2 विकेट ले चुके थे। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 20 रन था। तब इसी ओवर में दोस्तों तीसरी बॉल पर कोहली ने हवाई शॉट मारना चाहा, लेकिन बॉल हवा में सर्किल में अंदर ही रह गई। कोहली को मिला जीवनदान, रहा मैच का टर्निंग पॉइंट। उस बॉल को कैच करने के लिए विकेटकीपर एलेक्स केरी और फील्डर मिचेल मार्श दौड़े, मगर दोनों ने ही बीच में कंफ्यूजन हो गया। इसी चक्कर में बॉल के नीचे पहुंचने के बावजूद मिचेल मार्श यह कैच नहीं ले सके। यह गलती टीम को इतनी भारी पड़ी कि मैच गंवाना पड़ गया। मिचेल मार्श के सामने भविष्य में जब भी अपनी यह गलती सामने आएगी तब उन्हें जरूर रुलाएगी। जब कोहली का कैच छूटा तब 12 रनों पर खेल रहे थे। इसके बाद उन्होंने मैच में 116 गेंद खेल के 85 रन बनाए दिए। इसी तरह उन्होंने टीम को जीत दिलाई। कोहली के अलावा KL राहुल ने 115 गेंदों पर नाबाद 97 रनों की पारी खेली और कंगारू टीम के जबड़े से छीन ली जीत। जहां दोस्तों दोनों ही पारियों की दम पर भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाकर 41.2 ओवर में 201 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इस तरह भारतीय टीम ने दोस्तों अपना पहला मुकाबला जीत लिया। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।